क्यों नहीं दिख रही है? विक्रम सिंह सर, क्या लगता है आपको, इन जो लोगों का नाम इतना बड़ा बड़ा इस पोस्टर पे दर्ज है, ये जो बाबा जो इसका नाम फोटो यहाँ पर है, इसका इनका नाम इस FIR में क्यों नहीं होना चाहिए? विक्रम सिंह सर, गौरव जी, ये बिल्कुल ही मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है कि इन लोगों का नाम FIR में नहीं है। ये बाउंसर जो ये सेवादार हमारे थे, आपके थे, विद्वान पैलेस के थे, ये इस तथा कथित ढोंगी बाबा के थे, इनका नाम होना ही चाहिए था, बाबा का नाम होना ही चाहिए था। खैर, अब तब नहीं किया तो कम से कम अब इसको कैसे दूसरी प्रक्रिया की लाइट में आए, प्रकाश में आए। अब नामजद कीजिए बाबा को, सेवादारों को, जो नाम आपने बताए थे, ये गौरी शंकर, चंद्रदेव और देव प्रकाश मधुकर, इन सब के ऊपर इनाम की घोषणा कीजिए। बाबा के ऊपर 5 लाख, बाकी लोगों पे 3-3 लाख रुपए के इनाम, और STF और ATS लगाइए कि इनको ला करके करें दस्तयाब और सलाह के पीछे करें। वो तो बाकी काम तो हम करते ही रहेंगे, और हमारे असीम अरुण साहब जो मंत्री जी हैं, STF और ATS हैं, वही कैंप कर रहे हैं, जरा उनसे मशवरा लेकर के डेडिकेटेड टीम लगा के इनपे सब कराए 5-5 लाख का इनाम। इस तरीके से FIR में भी अगर हीला हवाला होगा, डाइल्यूशन होगा, तो संदेश यही जा रहा कि हम गंभीर ही। ये आपने एक बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है, FIR में अगर डाइल्यूशन होगा तो ये बहुत कठिन है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस से आपने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक तस्वीर वो नल वाली भी दिखाइए, हमें आज अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए कि ये ढोंगी बाबा ढोंग के नाम पर क्या क्या करते हैं। वो नल वाली तस्वीर दिखाइए, कैसे इसके आश्रम के बाहर नल लगे हुए हैं और उनसे निकलने वाले पानी को ये बाबा जादुई पानी कहता है और कहता है इससे पानी पीने पर बीमारी का इलाज हो जाएगा। वो तस्वीर यहां पर आपके सामने आएगी तो इस बाबा के ढोंग का असर आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, आप ध्यान से देखिए, ये तस्वीर आपको दिख रही है, जो ये आपको नल दिख रहे हैं, इनसे ये जो लोग पानी अपने ऊपर छिड़क रहे हैं, पी रहे हैं, इनका दावा है बाबा का कि नलों से जो पानी निकलता है, इस नल के पानी के पीने से बीमारियों का इलाज हो जाता है, लोगों के आंखों की रोशनी आ जाती है, जो बीमारियों का इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं वो इलाज इन नलों के पानी से हो जाता है। वो तस्वीर हम दिखाते रहेंगे, वो तस्वीर दिखाइए जरा एक बार फिर से और क्लोज करके दिखाइए, इन नलों के पानी के पीने से क्या कोई ठीक हो सकता है? ये बाबा का दावा है, बाबा के सेवादारों का दावा है, बाबा के आश्रम के बाहर ये हैंडपंप लगे हुए हैं, हैंडपंप के पानी से इलाज का दावा किया जाता है। इतने बड़े स्तर पर ढोंग हो रहा है मनोज जी, मनोज काका, इतने बड़े स्तर पर ढोंग हो रहा है और आज इतनी बड़ी घटना हो गई, कौन जिम्मेदार है, किसके ऊपर इसका जिम्मा जाना चाहिए, कौन है जो बाबा को बचा रहा है? आपके स्थानीय रिपोर्टर ने और आपने तो सारी बातें कही दी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में। मैं विपिन तो तुरंत आ रहा हूं, भी आ रहा हूं। कौन जिम्मेदार है इस समय उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ जी को और उनके जो अफसर हैं, एडीजी जोन कौन है, डीजी कौन है, ये उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल का अगर कोई कार्यकर्ता अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए, पेपर लीक पे सवाल उठाए, कुव्यवस्था पे सवाल उठाए, दुर्व्यवस्था पे सवाल उठाए, तो सरकार उसके तुरंत घरों को बुलडोज कर देती है, सरकार तुरंत उसके खिलाफ FIR कर देती है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, किसी के घर की बेटी, किसी के घर की माँ, किसी के घर का नौनिहाल चला गया और सरकार के चेहरे पे जू नहीं रेंग रही है और बेहराई से और लोग बचाव कर रहे हैं। आपने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा किसकी गाड़ी में लगा हुआ है। सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 14 जो अनुच्छेद है वो बताता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के संबंध तो सभी लोग बराबर हैं। लेकिन जो सरकार निरंतर पाखंड का पूजा करती हो, जो सरकार विज्ञानवाद के खिलाफ हो, जो पाखंडवादी सरकार हो, जिस सरकार के मुखिया और शीर्षस्थ नेता ये कहें कि नाले से गैस निकलती है, जो हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरोध में है, तो उससे आप यही ये जो आप कह रहे हैं इस पर राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे, ये जो आप कह रहे हैं इस पर राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे, लेकिन मेरे संवाददाता विपिन के पास कोई जानकारी आ रही है। विपिन, क्या जानकारी, जल्दी से बताइए। देखिए गौरव, मैं कल रात से इस स्टोरी को फॉलो कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों से मिला हूं, बहुत अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है। इस कार्रवाई के पीछे ना इसका इस बाबा के भी और उसके सहयोगियों पर कार्रवाई ना करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बाबा का एक जाति विशेष से ताल्लुक रखना, बाबा की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उस जाति विशेष में है और बाबा का कासगंज, एटा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, इन जिलों में इतनी फैन फॉलोइंग है कि बाबा जिस तरफ बैठ जाए ऊंट उसी तरफ करवट करके बैठता है। चुनाव
दुआओं में बाबा की भूमिका बहुत बड़ी आती है। बाबा जिसके नाम का फतवा निकाल दे उस शख्स का उस बिरादरी में जीतना बिल्कुल तय है। यही वजह है योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक कोई भी अब तक डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है बाबा। ठीक है, मैं आपसे गोल को घुमा रहे हैं, ये जो आपने कहा है इसको मैं आगे सवाल उठाऊंगा विपिन, इस पर मैं आगे सवाल उठाऊंगा।